सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। गुड न्यूज है आपके लिए, इस वीडियो में डेट्स हो गई हैं एक्सटेंड। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर रखी है प्रेस रिलीज जिसमें डेट एक्सटेंशन की बात की गई है इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट की। एक और प्रेस रिलीज आई है आज ही जिसमें एनुअल रिटर्न और ऑडिट की भी डेट एक्सटेंड होगी। आपके लिए बड़ी राहत है, टाइमली एक्सटेंशन मिल गई है, सबसे बड़ा तो मुझे यही रिलीफ लग रहा है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ध्यान से वीडियो को देखना, जो भी डेट्स एक्सटेंड हुई है वो प्रेस रिलीज में लिखी है, इसके अलावा कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई, अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी डेट एक्सटेंड हुई है। पहले नंबर ए पॉइंट में जो डेट एक्सटेंड हुई है वो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की हुई है जिन्हें ऑडिट करानी थी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनके लिए नई डेट है अब 31 जनवरी 2021। फिर उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर्स हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, उनके लिए एक्सटेंड कर दी गई है 31 जनवरी 2021, सेम ही डेट है। एंड नाउ इनकम टैक्स रिटर्न्स जो अदर टैक्स पेयर्स के लिए थी जिसकी ड्यू डेट एज पर एक्ट एज पर लॉ होती है 31 जुलाई 2020, वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2020 तक। कौन से फाइनेंशियल ईयर की? फाइनेंशियल ईयर नोट कर लीजिए, जब आप मेरे से ये क्वेश्चन करोगे वो है 1920 या असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ हमने इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर ली, चलिए अब बात करते हैं ऑडिट की। तो जैसे इन्होंने आईटीआर की डेट बढ़ाई है, इसी तरह से ऑडिट रिपोर्ट ही बोल रहे हैं, अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इन दोनों ऑडिट रिपोर्ट के लिए डेट एक्सटेंड हुई है 31 दिसंबर 2020 तक। अभी मैं आपके साथ प्रेस रिलीज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, कुछ नेक्स्ट वीडियोस बना दूंगी जिसमें ना आपको चार्ट वगैरह दे दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक और रिलीफ दिया है स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसकी जो ड्यू डेट है फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज हेयर बाय अगेन एक्सटेंडेड। अभी भी एक्सटेंड की थी, अब फिर से कर दी है अकॉर्डिंगली। द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर टैक्स पेयर्स हूज सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटीज अप टू 1 लाख, तो टैक्स लाइबिलिटी अगर 1 लाख तक है उसे एक्सटेंड कर रहे हैं 31 जनवरी 2021 तक फॉर पैरा मेंशन इन पैरा 3A एंड पैरा 3B टू 31 दिसंबर एंड फॉर द टैक्स पेयर्स मेंशन इन पैरा 3C। मतलब कि पैरा नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो पैरा है ना ABC, यहाँ पे आप देखिए जो ऑडिटेड केसेस हैं दोनों उनकी आईटीआर की डेट है 31 जनवरी, तो उनके लिए जो सेल्फ असेसमेंट का रिलीफ है वो भी रहेगा 31 जनवरी तक। पर जो पैरा 3C है जिनकी आईटीआर की डेट 31 दिसंबर है तो उनके लिए जो ये वाला रिलीफ है ना सेल्फ असेसमेंट टैक्स का वो भी 31 दिसंबर तक रहेगा और इसके लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही इश्यू कर दी जाएगी। अब हम बढ़ रहे हैं जीएसटी की तरफ। मैं अब आपको ले आई हूँ एक और प्रेस रिलीज की तरफ जिसमें एक्सटेंशन दी गई है फॉर एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ 18-19, यानी जीएसटीआर 9A, सुन लीजिए 9A के लिए बड़ी क्वेरी आती है, 9A, 9 और 9C तीनों की डेट 18-19 के लिए 31 अक्टूबर से बढ़ा के 31 दिसंबर 20 कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। सो दिस इज वेरी बिग रिलीफ, आप लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। अब डेट्स तो बढ़ गई हैं पर टाइमली फाइल कर लो, अगर आपने रिकंसिलेशन कर लिए हैं, डेटा रेडी कर रखा है तो 9 एंड 9C को टाइमली फाइल कर लो। और आपको कोई कंफ्यूजन थी, दिक्कतें थी, तो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, 3 घंटे की वीडियो है, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। और भी हमारे कोर्सेज हैं, इनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है उसे ज्वाइन करिए। टैक्स ऑडिट्स आप करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग मिलाते हैं, तो ये वाला कोर्स लीजिए हमारा ट्रायल्स ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना, इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। तो ये अगर आप हमारा कोर्स लेंगे ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे टैक्स ऑडिट्स आप करते होंगे और इतना टाइम डिवोट होता है उसमें, डेटा चेंज हो गया तो बार बार चेक करना होता है। इस 2 घंटे के रिकॉर्डेड सेशन से आपका कई दिनों का काम कुछ ही घंटों में होने वाला है, तो इस सेशन का भरपूर फायदा उठाइए। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।